गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 26 जुलाई। अभी 7 बजे ही नींद खुली है, अभी हो रहा है 7:03 के आसपास। तो आज योगा करेंगे और फिर करेंगे रियाज और फिर बढ़ेंगे आगे। पानी पी लेते हैं। तो 7:38 हो गया सुबह के, अब जा रहा हूँ मैं योगा करने, फिर करेंगे रियाज। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो 8:05 हो रहे हैं, योगा डन कर लिया है और अब जाता हूँ रियाज की तरफ। 8:52 हो रहे हैं, रियाज कर लिया है, अब जा रहा हूँ चाय पीने। ओहो, बिस्तर ही पार कर लेते हैं आज। कल रात भी बारिश हो गई थी, तभी भी मौसम ठीक हो गया है और मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ। बचने वाले हैं ना, ले आते हैं तुलसी के पत्ते। कल बारिश हुई ना, मौसम एकदम सेट हो गया, एकदम बढ़िया फील आ गई। तोड़ लेते हैं जरा पत्ते फिर। तो आ गए हैं तुलसी के पत्ते और अब बनाते हैं चाय। यार फिसलन होगी उसमें। क्या बोल रही हो? पानी क्यों नहीं आ रहा है? बंद करता हूँ नल, रुक जाओ। साइड का नल खुला है, उसे बंद करना होगा। ये वाला नल खुला है, इसको कर देते हैं बंद। हल्की बारिश हो गई थी तो थोड़ा सेट हो गया मौसम। तुलसी के पत्ते भी यहीं धो लेते हैं आज। मेरी मम्मी मैक्रोनी की तैयारी में है, आज बनेगी मैक्रोनी। जब तक चाय नहीं बने प्लीज प्याज काट दीजिए। कितने काट लो? कितने ले लो? 2-4। तो भी 4 ले लो। तो प्याज काटने की ड्यूटी लगी है, 4 प्याज ले लेते हैं और एक और ये 4। नौ दस हो गया। चाकू चाय कितने देर में बनेगी जल्दी बताओ। मैं पता, एक घूंट चाय पी चुकी हूँ। अरे यार अजवाइन कम नहीं, स्मेल आती है अजीब सी। बेटा दिस इज फॉर डाइजेस्टिव पर्पसेस। प्याज कट चुके हैं और आंसू निकल चुके हैं। किसी को भी शादी ब्याह में कहीं भी प्याज वगैरह कटवाने हो तो कॉन्टैक्ट में बहुत कम रेट है मेरा। कहाँ रख दो प्याज? यहाँ रख रहा हूँ। जल्दी दो ना प्याज। रात में नाश्ता बन रहा, उधर मैगी बन रही है। अच्छा, मैक्रोनी बन रही है आलसियों का। तो चाय हो गई है रेडी 9:35 के आसपास। मैंने चाय पी ली थी ना, इसलिए मौसी और भाभी की चाय आप दोगे। अच्छा, या आपकी चाय है? ठीक है। अच्छा और मैं मैक्रोनी फाइनल कर रही हूं। तो ये अपनी चाय मैंने निकाल ली है, मौसी लोग की चाय दे देता हूँ मौसी को। मौसी चाय आपकी। लो ये आई है, आराम से आराम से आराम से आराम से। तो हम भी अब पीते हैं चाय, थोड़ा तेल तेल कुछ जो मिल जाए। वाह, तेल ही लेते हैं फिर। तो ये शिवांशी ले आई थी मैगी और ये अभी लेके आई है मैगी मसाला मम्मी के लिए, मैक्रोनी के लिए। आज मैगी मसाला नहीं है, थोड़ा वैसे ही बनाया। तो मैक्रोनी तैयार हो गई है, मैगी मैं पेल चुका हूँ बट चाय मेरी थोड़ी सी बाकी है अभी, तो मैक्रोनी का इंतजार है। तो बन गई है यहाँ मैक्रोनी, तो मैंने सोचा आप सबको भी ललचा दूँ मैं थोड़ा। हाँ, आज मैगी मसाला नहीं था इसलिए सिंपल ही बनाऊंगा। ज़्यादा चार की घर में रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रही हो? बहुत हैवी हो जाता है। यहाँ मैक्रोनी अपना मैगी की ही चम्मच ले लेते हैं और पेलते हैं इसे। ये हमारी प्यारी प्यारी तारा है जो कि राखी और पूजा की मम्मी है। अभी आज पूरा इस एरिया मेरी भाभी का ये खेत है, यहाँ पर सफाई कर रही है देखो। और मतलब इनके हाथ का, और तो ये बहुत अच्छी कुक भी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथ के चावल का माने और सेल हमको हर त्योहार में खाने को मिलता है। और घास की सफाई हो रही है यहाँ पर तारेदी द्वारा बढ़िया से। ये हमारे मामा जी का घर है बगल में ही, हमारे जग्गू मामा। में ये क्या आया है? अरे हीरू मौसी की बेटी ने भेजा है ये मसूर अपने खेत का। अच्छा। और टेस्टी होता है, साफ करके बीन के तब दिए, क्योंकि मैं तो उतना कर नहीं पाती ना। तो अभी 10:20 हो रहे और मैं कल का व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ, टाइम लगेगा उसमें।
कहाँ ये बच्चा पार्टी आज जा रहे हैं घूमने मौसी के साथ। इसको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है, ये नाराज है क्या? पैसे पैसे चाहिए पैसे। तो आज बना रहा हूँ मम्मी के लिए रोटी। मम्मी ने मैक्रोनी वगैरह नहीं खाया तो रोटी ही बना के खिला दे रहे इनको। तो ये रोटी डाल दी है पहली। मैं कितनी रोटी खाओगी, चार बना दूं? दो दो चार बना दो। नहीं चार नहीं, सिर्फ दो। चलो ठीक है दो बना देता हूँ। तो देखो घर के काम भी कर लेता हूँ मैं। प्याज काटना तो मेरा देख ही लिया है और रोटी बनाना भी देख ही लो। चाय तो खैर जग जाहिर है कि मैं एकदम ताबड़तोड़ बनाता हूँ। टाइल है बाबूराव का टाइल है। अभी मम्मी का नाश्ता चल रहा है। मम्मी खा रही हैं गुड़ और रोटी। लंच मौसी क्या बन रही है ना, आपके हाथ की रोटी विद घी एंड गुड़, फेवरेट नाश्ता। तो अभी 11:40 हो रहा है, अभी 12 बजे के पास फिर मैं जाऊंगा अपने रूम पे और फिर थोड़ा काम शुरू करते हैं। तो अब हो गए 12:01 और अब मैं एग्जाम प्रैक्टिस में असाइनमेंट शुरू करता हूँ। और ये हो गए हम बंद कमरे में। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और रीडिंग प्रैक्टिस पर टिक लगा दिया है मैंने अभी अभी, और फिर अब बाकी टास्क पे बढ़ते हैं। तो 2:51 हो रहा है और ये खाना तैयार है अपना। मेरे ख्याल से झोली और चावल बने हैं। रमी क्या कर रही हो? अरे वो रॉक सॉल्ट नॉर्मल आयोडाइड सॉल्ट है, इससे ये बेटर रहता है। मैंने कहा जब जब हमने ये यूज़ किया अच्छा, तब तक थोड़ा सा मतलब हमें ब्लड प्रेशर वगैरह जो थोड़ा सा नॉर्मल। तो पेल लेते हैं पहले खाना फिर कंटिन्यू करते हैं असाइनमेंट। तो शाम के बज रहे हैं 5:38 और हमने कर लिए हैं अपना एग्जाम प्रैक्टिस डन। तो लगा देते हैं टिक इसमें। अब बाकी है सिर्फ लिसनिंग प्रैक्टिस और व्लॉग प्रैक्टिस। तो गाने सुनते हैं और थोड़ा व्लॉग भी बना लेते हैं। वैसे तो मेरे को जुकाम हो रहा है आज, पर सोचता हूँ थोड़ा नहा लूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगा और फिर उसके बाद कमरे में थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा देता हूँ और थोड़ा चिल करता हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5:51 और अभी अभी नहा के आया हूँ मैं। चाय पीते हैं बढ़िया सी और बस फिर रेस्ट करते हैं और क्या। मम्मी कह रही है कि चाय बन गई है, पीते हैं भाई चाय। मिल गई है चाय, ले जाता हूँ कमरे पे। हुआ क्या तेरे को, चाय पिएगी क्या? तो अब बस चाय पीता हूँ, गाने सुनता हूँ, फिर झाड़ू लगाता हूँ। Check the mic and make sure it sound right, boys. अभी हो रहे हैं 7:24 और मैं बस सॉन्ग ही सुन रहा था और करते हैं आज के सारे टास्क डन और गुड नाइट। ये लग गया टिक बिनते दिल में और ये डेली व्लॉग भी अपना डन। बस फासला रहे बन के कसक जो कहे हो और चाहत ये तेरी मेरी मिट जानी है दूरियां, लगानी है दूरियां, हट जानी है दूरियां, बना हो सभी दूरियां।